Hey guys, welcome back to my channel. मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राव फैमिली ब्लॉग. एंड आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से. वैसे मेरे जितने भी ब्लॉग्स होते हैं सबकी स्टार्टिंग दिन के टाइम से ही होती है. और अभी बना रही हूँ मैं खाना. तो दिन में आज बनेगा दाल चावल. तो जो मिक्स दाल है वो मैंने बॉयल करके रखी हुई है. दाल बनाऊँगी, चावल बनेंगे. एंड तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी. तो यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं दाल बनाने की. तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लहसुन. लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, पाँच छः कलियाँ लहसुन की हैं. उसके बाद मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ ही मैंने एक टमाटर लिया है. तो सबसे पहले तो मैं लहसुन वगैरह छील रही हूँ. तो लहसुन जैसे ही मेरा छिल जाएगा उसके बाद जो है मैं प्याज भी छील लूँगी. और उसके बाद मुझे प्याज को भी ये जो है जार में डालना है और उसके बाद टमाटर. तो प्याज और टमाटर को मैंने धो के डाला है छीलने के बाद. और इन तीनों का जो है मैं एक साथ पेस्ट बना रही हूँ, अलग अलग नहीं बना रही हूँ. तो तीनों का मैं एक साथ पेस्ट बना लूँगी. एंड यहाँ जो है मैंने टमाटर लहसुन वगैरह डाल दिया है और मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दिया है. और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर. तो जैसे टमाटर वगैरह मैं अच्छे से काट के इसमें डालूँगी. और मैंने इसमें ना छोटे छोटे से टुकड़े किए हैं टमाटर प्याज के, ताकि वो जल्दी से और अच्छे से ग्राइंड हो जाए. तो इनका जो है मैं अब मिक्सी वगैरह में इसको चला रही हूँ और हमारा जो पेस्ट है वो बन के बिल्कुल रेडी है. तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है दाल बनाने के लिए. तो अब जो है हम चलते हैं दाल बनाने के प्रोसेस पे. तो अभी मैंने यहाँ एक कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है. एंड जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा. और जीरा जैसे चटकने लगे उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया है लहसुन प्याज और टमाटर का. और मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है. तो मैंने इन तीनों का ही पेस्ट बनाया है. और अभी इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मैं, मतलब 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही, ताकि जो कच्चापन होता है टमाटर प्याज का वो चला जाए. और उसको 1-2 मिनट पकाने के बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले. मसाले बिल्कुल नॉर्मल से हैं जो कि हम डेली खाती हैं, ये वही मसाले हैं. और मसाले ऐड करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, जब तक जो है हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक ना जाए, साइड से तेल वगैरह छूटना स्टार्ट ना हो जाए. तब तक मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूंगी. एंड मिर्च, हल्दी और जो नमक है वो मैंने थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि जब मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रखा था उस टाइम भी मैंने नमक और हल्दी उसमें ऐड करी थी. तो अब ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है, अच्छे से पक गया है. और साइड से थोड़ा बहुत तेल छूटना भी स्टार्ट हो गया है. तो बस अब टाइम है, अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी पहले से ही. तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो भी बिल्कुल मैंने उसमें डाल दिया है. और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चावल के साथ बनानी ही दाल, तो इसलिए थोड़ी सी दाल ना पतली सही लगती है चावल के साथ, बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती. तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है. और उसके बाद अभी इसमें मैं थोड़ा सा उबाल आने दूँगी, मतलब 3 से 4 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम में पकाऊंगी. और उसके बाद हमारी जो दाल है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी. दाल तो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है. एंड इसके बाद मैंने आगे शूट नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी. तो अब आपको मिलूंगी मैं सीधे शाम को. अभी शाम का टाइम है और मुझे इस वॉल पे डेकोरेशन करनी है, क्योंकि आज पापा जी का बर्थडे है. तो हम जो है थोड़ा सा मुझे डेकोरेशन करनी है और इस वाली वॉल हम करने वाले हैं. एंड ये अभी का वो ट्यूटर जो अभी हमने लगाया नहीं है, ऐसे रखा हुआ है. तो ये वो है. और इस वाली वॉल पर मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करना है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे. और ये गए हुए हैं मार्केट क्योंकि इनको केक लेके आना है. तो ये केक लेने गए हैं और पापा जी जो है वो अभी को लेके घूम रहे हैं, क्योंकि अभी उठी है, थोड़ी देर पहले सोई हुई थी. तो वो उसको लेके बाहर घूम रहे हैं. और मम्मी भी काम कर रही हैं बाहर, कुछ पानी वानी डाल रही हैं. और मैं जो है तब तक कुछ बलून्स वगैरह फुला के उनको अच्छे से कर लेती हूँ डेकोरेशन वगैरह.
चलिए पहले जो है मैं डेकोरेशन वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँ। वो बलून्स वगैरह मैंने फुला लिए हैं और अभी मुझे फिल करने हैं, ये जो बर्थडे वाली जो लेटर है ना ये मुझे फिल करने हैं, मैं पहले इन्हें फिल कर लेती हूँ। तो जो है अब हम लग गए हैं डेकोरेशन करने में। जब तक मैंने ये सारा काम किया तब तक ये भी आ गए थे बाहर से केक वगैरह लेके। तो अभी हम करते हैं डेकोरेशन। I'm going to go to the next one.
तो यह है फाइनल डेकोरेशन जो कि बहुत ही सिंपल सी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इसके बाद जो है हमने अवी को बिठा दिया था नीचे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ वगैरह हम क्लिक करवा रहे थे, तो उसकी रील्स वगैरह बना रहे थे, उसकी पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। और हाँ, अगर आपने अवी को इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ये अवी का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप अवी को फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम अवी से रिलेटेड पिक्स वगैरह और रील्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं।